रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। मुकाबला शनिवार को वांखड़े स्टेडियम में खेला जाना है। आरसीबी ने लगातार 3 मैच जीते हैं, लेकिन पिछले मैच में सीएसके के हाथों हार मिली। सीएसके इससे पहले 4 मैच हार कर खेल रही थी। दिल्ली कैपिटल्स एक मुश्किल चुनौती पेश करेगी, तो चलिए जानते हैं कि मैच में आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। साथ में जानेंगे कि वांखड़े स्टेडियम में पिच का बर्ताव कैसा रहेगा। दरअसल पिछले मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब हर्षल पटेल की वापसी से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शनिवार को आईपीएल मैच में अपना अभियान फिर से जीत की पटरी पर लाने की कोशिश करेगी। आरसीबी ने लगातार 3 जीत से अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी, लेकिन चेन्नई ने पिछले मैच में उसे 23 रन से हरा दिया था। टीम को इस मैच में हर्षल की कमी खली थी, क्योंकि कप्तान फैफ डुप्लेसी के पास शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा को रोकने के लिए विकल्प नहीं थे। अपनी वेरिएशन बॉलिंग और डेथ ओवरों के कौशल के लिए मशहूर हर्षल आरसीबी की टीम के अहम अंग है, और डुप्लेसी ने स्वीकार किया है कि टीम को उनकी कमी खली। हर्षल अपनी चचेरी बहन की मौत के कारण बायो बबल से बाहर निकल गए थे। डुप्लेसी ने चेन्नई के खिलाफ मैच के बाद कहा था कि आप समझ रहे होंगे कि हर्षल का क्या महत्व है और वो क्या कर सकते हैं। हमें आज उनकी कमी खली, हमें अपनी गेंदबाजी में जो वेरिएशन चाहिए थी उसका अभाव था। उम्मीद है कि वो जल्द ही टीम से जुड़ेंगे। गुजरात के इस 32 वर्षीय खिलाड़ी ने आईपीएल 2021 में 32 विकेट लिए थे, और अपनी वेरिएशन गेंदबाजी से वो T20 के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक के रूप में उभरे हैं। इस साल हर्षल ने 4 मैचों में 5.50 की इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं, और इसके साथ उन्होंने 6 विकेट भी लिए हैं। डुप्लेसी ने जब तब जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया, और उन्होंने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया। अब बात करें शनिवार के मुकाबले की, यानी दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के मुकाबले की, तो इसमें प्लेइंग 11 होगी। दिल्ली कैपिटल्स की ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, टिम साइफर्ट, मनदीप सिंह, ललित यादव, रोमन पोवेल, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद और मुस्तफिजुर रहमान। वही अगर बेंगलोर की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसमें शामिल होंगे फैफ डुप्लेसिस, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, डेविड विली, हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज। तो ये होगी शनिवार की प्लेइंग 11। और साथ ही आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।